अभी यहाँ पे स्टेशन में जो है ना, हम लोगों को पता चला है कि इनका जो हम लोग ड्रेस वगैरह तो इनका चेंज करवा दिए हैं आरपीएफ के मदद से, और जितने भी लोग हैं यहाँ पे उन लोगों की मदद से, बच्चे लोग भी बहुत मदद किया है, और इनका ड्रेस चेंज हो गया है, नाइटी वगैरह। अभी पता चल रहा है कि रिंकू जो है कल ला करके इसकी बहू और इसका बेटा जिसका नाम है रिंकू, वो लोग ला करके यहाँ पे छोड़ा है इनको। मतलब कितना ख़राब बात है, देखिए कि लोकल लेडी है और लोग पहचान रहे हैं, हमारे सोर्स से कॉल आया और करीब 10 लोग फ़ोन करके बताए हम लोगों को कि। हाँ नानी बोलिए। अच्छा, वो मान के लिए भी बदमाश है। तो वो आपका घर का जो मालिक है, उन लोग भी आपको परेशान कर रहा है। अच्छा, तो आप भी बोले कि बदमाशी करते, इधर उधर टॉयलेट कर देते हैं, सही बात है। अच्छा ठीक है, लेकिन ये सब आपको भी नहीं करना है ना चाची। तो इनका हम लोग कोशिश कर रहे हैं, रिंकू का पता लगा रहे हैं वो कहाँ पे है। अब तक पता चला है कि शायद वो जमशेदपुर या कहीं पे है। तो चकदापुर के जो थाना प्रभारी हैं वो अभी गए हैं पता लगाने के लिए इनके घर की तरफ, और हम लोग इनका कपड़ा वगैरह जो है नया ला करके नाइटी जो है चेंज करवा दी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मक्खी लग रहा था, उस वजह से हम लोग इनका नाइटी चेंज करवा के दूसरा नाइटी ला करके दिए हैं। फिर भी थोड़ा तो अभी भी मक्खी वगैरह लग ही रहा है। अब क्या है कि हम लोग प्रोसेस करेंगे थर्ड लेवल पे इनको घर पहुंचाने का, इनके बारे में पता लगा रहे हम लोग। चकदापुर स्टेशन में ही हैं हम लोग अभी भी, और साथ में इंद्रजीत सर हैं जो लाइनअप कर रहे हैं, बहुत देर से बेचारे लगे हुए हैं। तारिक सुल्तान भी है वहाँ पर, कोशिश में तो हैं हम लोग। देखिए आरपीएफ सब भी है यहाँ पे, सभी लोग लगे हुए हैं कि इनको घर कैसे भी पहुँचा दिया जाए। और इतना दुख की बात है कि एक परिवार का जो है बेटा और बहू ला करके कल पहुंचाया है। अब धीरे धीरे जो है पूरा जो है समझ में आ रहा है हम लोगों को सिनेरियो, कि इनका बेटा और बहू ये दोनों ला करके इनको छोड़ करके गया है। कल यहाँ पे इस जगह में बताया जा रहा है कि भैया आप देखे थे ना कल, क्या था मामला थोड़ा सा बताइए ना। तो हस्बैंड वाइफ आया था। हाँ हाँ, उसके बाद यहाँ टोटो में लेके आके यहाँ छोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ दिया। हाँ। अब पूछे भी ना उन लोग से? नहीं, अब पूछने वाले थे तो। अच्छा, वहाँ फल खरीदने गए तो वहाँ लेट में। अच्छा, थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ, वहाँ पे गया। और उसके बाद फिर निकल गया वो लोग, फिर हम अंदर चले गए। अच्छा, आप काम में चले गए, फिर आए देखने के लिए। हाँ हाँ, चले गया कि ले गया? हाँ हाँ, यहीं छोड़ दिया था। अरे मतलब एकदम यहाँ पे यही सीन समझ में आ रहा है। हाँ, कि बेटा बहू लाके छोड़ के गया है ना। हाँ, क्या जमाना आ गया। देखिए मतलब यही, और भी लोग बता रहे हैं कि बेटा बहू ला करके बजाबते यहाँ पे स्टेशन में छोड़ करके गया है, इस जगह पे ला करके छोड़ के गया है, और अभी वो बेचारी कल से यहाँ पे है, बूढ़ी औरत जो है कल से स्टेशन में है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इनके परिवार वाले को पता करते हैं, और सरकार की तरफ से भी ऐसा कोई मतलब केयर टाइप का जो है ना, केयर होम जैसा कुछ होता है कि ऐसे लोगों को ले जा करके हम लोग रख सकें। चकदापुर में कुछ वैसा समझ नहीं आ रहा है, कुछ वैसा दिख रहा नहीं है जहाँ पे केयर किया जा सके। तो ठीक है, स्टिल हम लोग कोशिश करते हैं कुछ एक अच्छा मतलब के सोर्स निकालने का, कि इनको हम लोग घर तक पहुँचा दें।